अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं? मैं खुदा से उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हों। चलें जी, आज हमारे किचन में बनने जा रहा है चने की दाल चिकन। चने की दाल मेरे पास आधा किलो है। चिकन मैंने इस तरह से लंबे लंबे से स्लाइसेस करवा लिए हैं, ठीक है। चिकन के मसाले के लिए सबसे पहले तो हम दाल उबलने के लिए रख देंगे। इसमें हम साबित गर्म मसाला, कड़ा मसाला डाल के, लहसुन तक साबित डाल के इसको बॉईल के लिए रख देंगे। ये मैंने 2 घंटे भिगोई हुई है। फिर हम चिकन के मसाले के लिए 2 अदद प्याज लेंगे चॉप की हुई, 2 अदद टमाटर लेंगे, पिसी हुई मिर्चें लेंगे हम 1 टेबल स्पून, धनिया लेंगे हम 1.5 टेबल स्पून, कुटी मिर्चें लेंगे 1 टेबल स्पून, हल्दी लेंगे 1 टेबल स्पून, ज़ीरा लेंगे 1/2 टीस्पून, एक हम इस तरह से दालचीनी लेंगे, 1 छोटी इलायची लेंगे, 2-3 काली मिर्चें, 1 तेज़पात और पिसी हुई काली मिर्चें 1/2 टीस्पून, नमक हसब ज़रूरत। चलें जी अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम दाल को उबलने के लिए रखेंगे, उसके बाद हम पैन में 1 कप ऑयल डालेंगे चिकन फ्राई करने के लिए। हम प्याज को सिर्फ और सिर्फ इसका कलर चेंज करेंगे, ज़्यादा देर हम इसको ब्लैक नहीं करेंगे, हल्का सा बस इसका कलर चेंज हो जाए। आप लोग देख सकते हैं कि ये देखिए प्याज का कलर चेंज हो गया है। अब मैं इसमें स्लाइस हुए हुए चिकन जो है ये डाल दूँगी फ्राई होने के लिए अच्छी तरीके से। हल्का सा प्याज के साथ इसको फ्राई कर लेंगे हम। और हम इसमें टमाटर शामिल कर देंगे। टमाटर के साथ ही हम जो है ना इसके अंदर ये सारे मसाले शामिल कर देंगे। इसको हम ढक के 20 मिनट के लिए धीमी आंच पे छोड़ देंगे। इसमें हम 2 खाने के चम्मच पानी डालेंगे, बस इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि चिकन टमाटर प्याज मसाले सब अपना पानी छोड़ेंगे, इतना कि ये चमचा साफ हो जाए। धीमी आंच पे इसको हम छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि ये गल जाए, ताकि इसके रेशे बन सकें। आप देख सकते हैं मैंने इसमें पानी डाला है। अब मैं इसको ढक के थोड़ी देर के लिए धीमी आंच पे छोड़ दूंगी, ताकि मसाला एक जैसा हो जाए, और जब तक हम अपनी दाल गलने का इंतज़ार करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये मसाला जो है वो यकजा हो गया है, दाल भी गल चुकी है। अब दाल को मैं इसमें शामिल कर दूंगी, और दाल मैंने ज़्यादा ना नरम रखी है ना सख्त रखी है, नॉर्मल रखी है बस। तो हम सारा पानी इसमें शामिल कर देंगे और इसको हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको इस तरह से खौला लेंगे ढक्कन ढाक के, और बस इसको 10 मिनट के लिए पकाएंगे। फिर इसमें धनिया पुदीना हरी मिर्च डाल के और प्याज का और लहसुन का भगार लगा कर इसको हम डिश आउट कर लेंगे। ये देख सकते हैं कि ये दाल मेरी तैयार हो गई है। अब मैं इसमें भगार लगाऊंगी धनिया पुदीना हरी मिर्चें लहसुन प्याज साबित गोल मिर्चों का ज़ीरा भगार डाल रही हूँ उसमें। अब मैं ये हमारी मज़ेदार सी दाल तैयार है, चिकन दाल। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे आपके कमेंट्स का बहुत इंतज़ार रहता है। कल मिलूँगी एक नए दिन के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।